नेक्स्ट लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स में। हमने पढ़ा था अब तक थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर और इसके बेसिक एप्लीकेशन। थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर और थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर में आपने बोला था, जनरली आपने कहा था कि आप जो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स होती है स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनादर, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनादर, ये हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनादर फॉर्म। और आपने बोला था कि जनरली जो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, वो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट होता है कि आप कौन सा सिस्टम ले रहे हैं। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी डिपेंड करता है कि आप सिस्टम कौन सा ले रहे हैं। अगर आप क्लोज सिस्टम ले रहे हैं तो क्लोज सिस्टम के केस में मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगा आपका, क्लोज सिस्टम के केस में मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगा आपका डब्ल्यू एंड क्यू, यानी कि माइनस पीडीवी और जनरली टीडीएस। तो आपके जो वेरिएबल्स बनते हैं वो वेरिएबल्स बनेंगे चार, और वेरिएबल्स क्या होंगे, पी वी एस टी। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग चार ही पोटेंशियल होते हैं, चार ही पोटेंशियल होते हैं। पोटेंशियल कौन से होते हैं, जी एच ए यू। तो आपके चार पोटेंशियल है, चार वेरिएबल है, ये आपके चार वेरिएबल्स होते हैं और जनरली चार आपके पोटेंशियल्स होते हैं। तो इन चार वेरिएबल्स और चार पोटेंशियल्स के बीच कुछ रिलेशंस हैं जो एक थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर पे दिखाए जा सकते हैं, और वो थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर में ले रहा हूं। तो थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर में आपने बोला था कि कॉर्नर पे जनरली वेरिएबल रखे जाते हैं, कॉर्नर पे जनरली वेरिएबल रखे जाते हैं, कौन कौन, एस पी वी टी जो आपके वेरिएबल्स हैं उसको आप कॉर्नर पे रखते हैं, एस पी वी टी से ऑर्डर में रखते हैं, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, और जो आपका एजिस होता है उस पर आप रखते हैं क्या, एच जी ए यू, हे गोड ए यू, ये जनरल रखते हैं, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गोड ए यू, ये मैंने डिस्कस किया था। तो इसके जो एप्लीकेशंस थे, जो मैंने डिस्कस किए थे एप्लीकेशंस, मैंने बोला था कि आप इससे चेंज इन एंथैल्पी देख सकते हैं डीएच, इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में जनरली मैंने किया था डीएच, आपने बोला था जनरली डीएस और डीपी एच यहां पे रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है, तो एस और पी के साथ भी डी लेना पड़ेगा। उसके बाद आपने कहा था एस का एरो दूर गया है तो पॉजिटिव टी आएगा, पी का एरो दूर गया है पॉजिटिव वी आएगा, ऐसे आपने डीजी को देखा था वीडीपी माइनस एसडीटी होगा, डीए को देखा था ऐसे ही माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी होगा। पहली जो दो तीन वीडियोज हैं मैंने इसी पे डिवोट किया है पूरा, डीयू आपका क्या होगा, टीडीएस माइनस पीडीवी होगा। उसके बाद जनरली मैंने बोला टीडीएस माइनस पीडीवी, उसके बाद मैंने बोला कि जनरली आप इससे थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर का यूज करके वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव के बीच रिलेशन भी चेक कर सकते हैं, और वो आपने बोला कि जनरली आप बोलते हैं एस से चले वी की तरफ, पी से चले टी की तरफ, तो एस अपॉन वी क्या होगा, पी अपॉन टी होगा। फिर आप क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे डेल एस अपॉन डेल वी, डेल पी अपॉन डेल टी। आपने बोला डेल एस है तो ऊपर वाला बताएगा डेल एस का एरो दूर गया हुआ है पॉजिटिव टी पे गया है टी, पी का एरो दूर गया हुआ है पॉजिटिव वी पे गया है वी, ये आपने बोला। यानी ऊपर वाला बताता है, यानी एस के साथ क्या आएगा, डीएस के साथ, डीएस का एरो दूर गया है पॉजिटिव टी पे गया है टी, डीपी का एरो दूर गया है पॉजिटिव वी पे गया है वी। तो जनरली इस तरीके से आपने रिलेशन बनाए थे, एक बार एस से वी की तरफ चले थे, फिर दूसरी बार आप क्या हुआ था, वी से एस की तरफ चले थे, वी अपॉन एस, वी से चले एस की तरफ, टी से चले पी की तरफ, डेल 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 डेल, आपने बोला था डेल लगा दीजिए, आपने डेल लगाए, फिर उसके बाद डेल है तो कॉन्स्टेंट जरूर होगा, तो डेल वी के साथ आपने क्या बोला, डेल वी के पास एरो आ रहा है नेगेटिव, पी से आ रहा है पी, डेल टी के पास एरो आ रहा है नेगेटिव, एस से आ रहा है एस। तो ये जनरली रिलेशन आपने जनरेट किए थे। उसके अलावा आपने बोला था कि इनको रिवर्स कर सकता हूं, रिवर्स भी इनके ट्रू होते हैं, ये ध्यान देना प्लीज, इसका रिवर्स ये नहीं है, रिलेशन निकालने के बाद अगर रिवर्स करता हूं, रिलेशन निकालने के बाद अगर रिवर्स करता हूं तो वो ये नहीं है। यस, देखिए जरा, डेल वी अपॉन डेल एस यहां पे क्या है, टी कांस्टेंट, और ये क्या है, डेल टी अपॉन डेल पी वी। तो ऐसे मैंने बोला था कि जनरली इसका रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, माइनस डेल एस अपॉन डेल वी पी इज इक्वल टू क्या, माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एस होगा। तो ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। जनरली आपने ये बोला था कि आठ रिलेशन, जनरली आपने कहा था चार जनरल रिलेशन, फिर उसके बाद रिवर्स करके भी उनके रिलेशन होते हैं। तो मैं कहता हूं एस से चले पी की तरफ, वी से चले टी की तरफ, डेल 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 डेल, आपने बोला था इससे चले वी की तरफ, एस से चले पी की तरफ, पहले वी की तरफ चले फिर पी की तरफ, एस से पी, डी एल एस अपॉन डेल पी, डेल वी अपॉन डेल टी, डेल एस के साथ क्या होगा, प्लस का टी, डेल वी के साथ क्या होगा, डेल वी के साथ क्या, माइनस का पी। तो ऐसे रिलेशंस आपने जनरेट किए थे। उसके बाद आपने ये भी कहा था सत्य, उसका उल्टा भी ठीक है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, आपने बोला था जनरली क्या कि आप पी से एस की तरफ चलिए तो डेल पी अपॉन डेल एस क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल वी, आप पी के साथ क्या ले लेंगे, पी के साथ ले लेंगे प्लस का भी, टी के साथ माइनस एस। तो ये रिलेशंस आपने बताए थे, इनके रिवर्स भी सही थे। उसके बाद आपने बोला था क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी का एप्लीकेशन आपने बोला था, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में आपने क्या बोला था, आपने बोला था जनरली कि क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के लिए, जनरली स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है
होता है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना। स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का मतलब होता है एनर्जी का कम होना, एनर्जी चेंज का नेगेटिव होना। और मेरे यहाँ पे एनर्जी बहुत सारी टर्म थी, जैसे डेल एच बी एनर्जी की टर्म है, डेल जी एनर्जी की टर्म है, डेल ए एनर्जी की टर्म है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होगा, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी का बढ़ना, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का मतलब होता है एनर्जी का कम होना, मतलब एनर्जी चेंज का नेगेटिव होना, यानी कि एनर्जी चेंज का नेगेटिव होना, एनर्जी चेंज का नेगेटिव होना। मतलब एनर्जी चेंज का नेगेटिव होने का मतलब क्या है, डेली का नेगेटिव होना। और डेली में मेरी टर्म क्या है, मेरे पास एनर्जी की चार टर्म है, एनर्जी की चार टर्म है। कौन कौन सी टर्म है, चार, जी है, एच है, ए है, यू है। तो डेल जी का, जी का नेगेटिव होना, तो जी एनर्जी की चार टर्म है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब डेल ई नेगेटिव का मतलब डेल जी नेगेटिव होना, डेल एच नेगेटिव होना, डेल ए नेगेटिव होना, डेल यू नेगेटिव होना, सब स्पॉन्टेनिटी को दिखाता है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का मतलब तो एनर्जी का कम हो जाना, एनर्जी चेंज का नेगेटिव होना जाना, डेल ई का जीरो से छोटा हो जाना, एनर्जी की चार टर्म है, डेल जी का जीरो से छोटा हो जाना, डेल एच का जीरो से छोटा हो जाना, डेल ए का जीरो से छोटा होना जाना, डेल यू का जीरो से छोटा हो जाना। और जनरली आप क्या बोलेंगे, जी के साथ कॉन्स्टेंट कौन है, जिसके बीच में रखा हुआ है वो स्क्वायर से पता चला जाएगा, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड है। तो जी के साथ क्या होगा, जनरली आपको पता है जी के साथ कौन आएगा, पी और टी आएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा क्या, पी टी। एच के साथ क्या आएगा, एस और पी आएगा, यहाँ लिख दूंगा एस पी। ए के साथ क्या है, ए किसके बीच में है, वी के टी के, तो टी वी। यू के साथ क्या आएगा, एस वी। ये आपने बोला था, ये आपने कहा था क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ये भी आपने वहां पे देखा था। अब इससे आगे बढ़ता हूं, आप एस की फॉर्म में भी आपने वहां पे बताया था, अगर आपके याद हो तो आपने बोला सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। एस की फॉर्म में अगर मैं देखना चाहता हूं तो आपने कहा था डीएस को अगर देखना चाहते हो, एस का एरो दूर गया हुआ है, अगर एस का एरो दूर गया हुआ है तो पॉजिटिव ही आएगा, एस का एरो दूर गया तो पॉजिटिव आएगा, एस का एरो दूर गया तो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद क्या, एच पी कॉन्स्टेंट या फिर यू वी कॉन्स्टेंट, ये आपने बोला था। तो ये आपने देखा था क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अब उसके बाद जनरली मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि अगर आप कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन की इक्वेशन में, अगर कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन की इक्वेशन में, तो वो कांस्टेंट कंप्लीट डिफरेंशिएशन को पार्शियल डिफरेंशिएशन बना देता है, इंडिपेंडेंट एंटिटी पे कोई प्रभाव नहीं डालता और पार्शियल डिफरेंशिएशन पे कोई प्रभाव नहीं डालता। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, मान लो मैं जेड को लिख रहा हूं, डी जेड को मान लो मैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, डी जेड को मैं लिखता हूं एम डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई एक्स इंटू डी वाई, मान लो ऐसे लिख रहा हूं। तो मैं क्या कहता हूं, अगर मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूं, अगर मैंने क्या बोला, इफ यू इंट्रोड्यूस ए कॉन्स्टेंट इन इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इन इक्वेशन ऑफ कंप्लीट डिफरेंशिएशन, अगर कंप्लीट डिफरेंशिएशन की इक्वेशन में हम इंट्रोड्यूस करते हैं कोई कॉन्स्टेंट, तो उसका मतलब क्या था, देन इट क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा कंप्लीट डिफरेंशिएशन को, इट कन्वर्ट कंप्लीट डिफरेंशिएशन इनटू पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसको कन्वर्ट कर देगा। डज नॉट अफेक्ट किसको अफेक्ट नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट एंटिटी को इफेक्ट नहीं करेगा और ना ही आपका क्या पार्शियल डेरिवेटिव को इफेक्ट करेगा। तो जनरली आप देखिए, अगर मैं इसमें, ये जनरल आपने बोला था लास्ट क्लास में, तो अगर मैं इसमें कांस्टेंट इंड्यूस करता हूं, मान लो मैं इसमें कहता हूं एक्स मेरा कांस्टेंट है, या मैं कहता हूं जेड मेरा कांस्टेंट है, तो जेड अगर कांस्टेंट है तो डी जेड क्या होगा आपका, जीरो होगा। ये वैल्यू मैं यहां पे लगाऊंगा जीरो एम। यस, आपने बोला कि वो कन्वर्ट करेगा कंप्लीट को पार्शियल में, इंडिपेंडेंटली पार्शियल को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो एम पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, एम का एम क्योंकि इंडिपेंडेंट एंटिटी है, डीएक्स को क्या बना देगा डेल एक्स क्योंकि ये कंप्लीट है, इसको क्या बना देगा पार्शियल, जेड बाहर आ जाएगा, प्लस पार्शियल का तो पार्शियल रहेगा, पार्शियल को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, डी को क्या बना देगा डेल बना देगा, ये कह रहा हूं मैं। तो जनरली आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर किसी कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जाए किसमें, इक्वेशन ऑफ कंप्लीट डिफरेंशिएशन में, तो वो कॉन्स्टेंट कंप्लीट डिफरेंशिएशन को डी को डेल बना देता है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन को पार्शियल बना देता है, डी को डेल बना देता है, डेल पे कोई इंपैक्ट नहीं करता, पार्शियल डेरिवेटिव को इफेक्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंट एंटिटी जिस पे डी या डेल ना लगाओ उसको कोई इंपैक्ट नहीं करता, यहां पे एम पे डी या डेल नहीं है तो इस पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा, डी को यहां डेल बना रहा है, और पीछे कांस्टेंट आएगा ही आएगा क्योंकि अगर आप डेल ले रहे हैं तो पार्शियल ले रहे हैं, पार्शियल ले रहे हैं तो कांस्टेंट लेना ही होगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा जो आपने इंट्रोड्यूस किया है। तो जनरली आप देख सकते हैं, अब यही सारी चीजें जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं किस में लगाता हूं, मैक्सवेल इक्वेशन में। तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन जो आपने बोली थी, मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी, मैक्सवेल इक्वेशन थी डीजी की वैल्यू, डीएच की वैल्यू, डीयू की वैल्यू और डीए की वैल्यू। तो आपने कहा था डीजी की वैल्यू होती है मेरी वीडीपी माइनस का एसिडिटी, तो अगर मैं इसमें लगाता हूं डीजी मेरा वीडीपी इक्वेशन होता है क्या, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन
द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी फ्रॉम स्क्वायर, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी फ्रॉम स्क्वायर, फ्रॉम थर्मोडाइनिक्स स्क्वायर क्या आई थी आपकी, फ्रॉम थर्मोडाइनिक्स स्क्वायर कितनी थी आपकी, फ्रॉम थर्मोडाइनिक्स स्क्वायर कितनी थी, dg इज इक्वल टू था vdp माइनस sdt। अगर मैं इसमें लेता हूं t को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में क्या कर दूं, t को कांस्टेंट कर दूं, तो dt क्या हो जाएगा, जीरो। तो d क्या बन जाएगा, डेल। अभी आपने बोला था कि d किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डेल में, वो लिखा हुआ है कंप्लीट कन्वर्ट इनटू पार्शियल, d कन्वर्ट इनटू डेल, तो आपका dg क्या बन जाएगा, डेल जी। पीछे कौन आ जाएगा, t बराबर, v पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि v तो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसके पहले ना d लगा ना डेल लगा, तो v तो ऐसा ही रहेगा। dp क्या बन जाएगा, डेल p, पीछे कौन आ जाएगा, t माइनस, s पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, dt क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, डेल जी टी किसके बराबर होगा, वी डेल पी टी के बराबर होगा, और डेल जी अपॉन डेल पी टी क्या होगा आपका, वी बन जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, आप V की वैल्यू यानी के वेरिएबल की वैल्यू किसकी फॉर्म में, थर्मोडायनिक पोटेंशियल चेंज की फॉर्म में या एनर्जी टर्म की चेंज में निकाल सकते हैं। दूसरा आपने क्या बोला, आपने बोला T को अगर कांस्टेंट करता हूं तो ये पार्ट खत्म होता है, V की वैल्यू निकलती है। तो प्लीज फोकस करिए, अगर मैं T को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो T को इंट्रोड्यूस करने से, T को कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने से ये पार्ट खत्म हो रहा है, V की वैल्यू निकल रही है। अगर मैं P को कांस्टेंट कर दूं इस इक्वेशन में, अगर मैं P को कांस्टेंट, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, S की वैल्यू निकलेगी। तो अगर मैं P को कांस्टेंट कर दूं तो dp क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं P को कांस्टेंट कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा, S निकलेगा, और T को कांस्टेंट कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा, V निकलेगा। तो इस इक्वेशन से क्या क्या निकल रहा है, V और S निकल रहा है, इस इक्वेशन से क्या क्या निकल रहा है, V और S। अगर मुझे V निकालना हो तो ये खत्म करना पड़ेगा, यानी कि T को कांस्टेंट करना पड़ेगा, dt को जीरो करना पड़ेगा, ये खत्म हो जाएगा, V निकल जाएगा। अगर मुझे S निकालना हो तो ये खत्म करने का, इसको खत्म करने के लिए मुझे P को कांस्टेंट करने का पड़ेगा, dp को जीरो करना पड़ेगा, तो P को कांस्टेंट, dp को जीरो कर दिया, तो डेल gp डेल tp, तो S की वैल्यू आ गई। तो आप क्या निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, देखते ही बता सकते हैं कि मैं V इजीली निकाल सकता हूं, S इजीली निकाल सकता हूं। अगर मुझे V निकालना हो तो dt को जीरो करना पड़ेगा, और अगर मुझे S निकालना हो तो dp को जीरो करना पड़ेगा, इजीली निकल जाएगा। अब अगर मुझे V निकालना हो, dt को जीरो करना पड़ेगा, मतलब t को कांस्टेंट करना पड़ेगा, मेरा क्या निकल जाएगा, V निकल जाएगा। अगर मुझे S निकालना हो तो dp को जीरो करना पड़ेगा, यानी कि p को कांस्टेंट करना पड़ेगा, ये वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, हर एक मैक्सवेल इक्वेशन से आप दो वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। मैक्सवेल इक्वेशन होती है चार, तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएगी, आठ वैल्यू, लेकिन वेरिएबल तो चार ही होता है, इसका मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दो दो आएगी, मतलब समझिए। तो मैं हर एक मैक्सवेल इक्वेशन पे यही लगाता हूं, मुझे पता है मैक्सवेल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट एंटिटी है वो इजीली निकल रही है, किससे, बस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है। जैसे मैंने अभी बोला dg मेरा vdp - sdt है, p कांस्टेंट कर दिया, dp जीरो हो गया, dg डेल gp बन गया, v into 0 - s डेल tp हो गया, यानी डेल जी अपॉन डेल टीपी माइनस का एस हो गया, या बोलू एस क्या हो गया, माइनस का डेल जी अपॉन डेल टीपी हो गया। पहला ये बोल दिया। दूसरा फिर इसी में क्या किया, टी कांस्टेंट कर दिया, डीटी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, डेल जी टी हो गया, वी हो गया, डेल पी टी हो गया, माइनस का एस इंटू जीरो हो गया, डेल जी अपॉन डेल पी टी की वैल्यू वी हो गई, यानी कि वी की वैल्यू क्या हो गई, डेल जी अपॉन डेल पी टी आ गई। ये आपका दूसरा हो गया। तो इस इक्वेशन से दो आइटम निकल गए। फिर दूसरी क्वेश्चन ली, दूसरी क्वेश्चन क्या ली, डीए ले लिया, डीए क्या था, माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी। कहां से बता रहा हूं, इसी से बता रहा हूं, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड से, हे गोडे यू से, पहली क्लास में यही बोला था कि एक इस पर डिपेंड, डीए निकालना है तो क्या होगा, डीवी आएगा, डीटी आएगा, ऐसे बोला था। ध्यान कीजिए, डीए की वैल्यू निकालनी है तो एक इसके बीच में है, वी के और टी के, तो डीवी आएगा, डीटी आएगा। वी के पास एरो आ रहा है, नेगेटिव आएगा, टी के पास भी आ रहा है, नेगेटिव आएगा, वी के पास पी से आ रहा है, टी के पास एस से आ रहा है, ये तो बोला था, तो ये निकलेगा। अब इसमें क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट इंड्यूस कर रहा हूं, वी को कांस्टेंट कर दिया, तो डीवी क्या हो गया, जीरो। जब ये आया तो क्या हो गया, डेल ए बन गया, वी बन गया, माइनस पी इंटू जीरो हो गया, माइनस का एस डेल टी इंटू वी हो गया। मैंने इसमें वी को कांस्टेंट कर लिया, तो पता है मुझे वी को कांस्टेंट करते ये जीरो हो जाएगा, एस की वैल्यू निकलेगी, तो क्या निकलेगा, डेल ए वी, ये तो आपका जीरो हो गया, माइनस एस डेल टी वी, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एस बराबर डेल ए अपॉन डेल टी वी, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी वी। तो एस की वैल्यू ये भी है ये भी है, तो दोनों क्या होगी, बराबर होगी, तो ये भी रिलेशन जनरेट होंगे बाद में। तो आप क्या कह रहे हैं, हर एक मैक्सवेल इक्वेशन से, यानी आप टी को कांस्टेंट करिए, हर एक मैक्सवेल इक्वेशन से दो, हर एक मैक्सवेल इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू निकल रही है जो कि आपके इंडिपेंडेंट है। आपको क्या करना है, जिस वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव लगा हुआ है उस वेरिएबल को कांस्टेंट करना है। तो कांस्टेंट कर रहा हूं, टी को अगर कांस्टेंट कर दूं तो डीटी क्या, जीरो, वैल्यू डालिए। पी की वैल्यू आ जाएगी, तो ऐसे ही करते जाइए।
आपको रिलेशन मिलते जाएंगे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए से निकल गया, दिस वन ए वाले में क्या निकला, एस निकला और पी निकला, निकलेगा ही एस निकलेगा पी निकलेगा, जी वाले में क्या निकलेगा वी निकलेगा, एस निकलेगा वी निकालना हो इसको खत्म करना पड़ेगा, एस निकालना हो इसको खत्म करना पड़ेगा। ऐसे डी यू देख सकता हूँ, डी यू क्या है टी डी एस माइनस पी डी वी, तो यहाँ पे देखूंगा एस कॉन्स्टेंट कर दूं तो आप करते रहना डी एस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी पी की आएगी। यहीं पे कर दूं यस वी कॉन्स्टेंट कर दूं डी वी जीरो कर दूं, डी वी जीरो कर दूं ये खत्म हो जाएगा, टी की वैल्यू आएगी। आप करके देखना घर पे, डेल यू अपॉन डेल एस वी होगा यस। ऐसे लास्ट कर देता हूं तो यहां पे भी पी आ रहा है, तो एक पी ये रहा एक पी ये रहा, दोनों बराबर हो गए यस। एक और करता हूं लास्ट वाला, डी एच क्या होगा टी डी एस प्लस वी डी पी होता है यस। एक बार एस को कॉन्स्टेंट कर दिया तो डी एस जीरो आ गया, तो वी की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरी बार आपको क्या किया, पी को कॉन्स्टेंट कर दिया डी पी की वैल्यू जीरो हो गई, तो क्या निकला वी की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकली टी की वैल्यू निकली। अब वैल्यू एक जगह रख लिख रहा हूं, ये मेरा एस है ये मेरा एस है ये भी मेरा एस है, दोनों बराबर हो गए, तो रिलेशन क्या मिला एस की वैल्यू ये भी सही है डेल जी अपॉन डेल टी पी, और दूसरी ये भी सही है। देखिए प्लीज आपने क्या किया है, आपने जनरली हर एक मैक्सवेल इक्वेशन में जो आपके वेरिएबल डी के साथ थे, हर एक इक्वेशन में जो आपके वेरिएबल डी के साथ थे उनको उनको क्या किया कॉन्स्टेंट मान लिया। जैसे जी के में वेरिएबल कौन थे डी के साथ पी और टी, तो एक बार पी को कॉन्स्टेंट मान लिया एक बार टी को कॉन्स्टेंट मान लिया। यहां पे कौन था डी वी डी टी थे, एक बार वी को कॉन्स्टेंट मान लिया एक बार टी को कॉन्स्टेंट मान लिया, और उसका इंपैक्ट देखा। इंपैक्ट यहां पे देखने से ही पता चल जाएगा, अगर मैं इसमें वी को कॉन्स्टेंट मान रहा हूं तो ये खत्म हो जाएगा इसकी वैल्यू निकलेगी, अगर मैं टी को कॉन्स्टेंट मान रहा हूं तो ये खत्म हो जाएगा, टी को कॉन्स्टेंट मतलब डी टी जीरो मान रहा हूं तो ये खत्म हो जाएगा पी की वैल्यू निकलेगी, अगर यहां पे पी को कॉन्स्टेंट मान लेता हूं तो ये खत्म हो जाएगा इसकी वैल्यू निकलेगी, अगर टी को कॉन्स्टेंट मान लूं तो ये खत्म हो जाएगा वी की वैल्यू निकलेगी, अगर यहां पे एस को कॉन्स्टेंट मान रहा हूं तो ये खत्म हो जाएगा P की वैल्यू निकलेगी, अगर V को कांस्टेंट माना हो ये खत्म हो जाएगा T की वैल्यू निकलेगी। अगर निकल वैल्यू किसकी निकल रही है, जिसके पास D है नहीं तो दूसरे वाला खत्म होते ही उसकी वैल्यू, जैसे यहां पे P को कांस्टेंट माना तो ये तो खत्म हो गया तो यहां पे T निकलेगा यस, ये तो S को कांस्टेंट मानते ये खत्म हो गया V की वैल्यू, तो वैल्यू लिख रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इक्वेशन क्या देती है दो वैल्यू दे रही है, ये दो वैल्यू देती है, ये दो वैल्यू देती है, ये दो वैल्यू देती है, दो वैल्यू, तो चार इक्वेशन कितनी देंगे आठ वैल्यू, लेकिन वेरिएबल तो मेरे पास चार ही है, तो इसका मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल चेंज की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है, जैसे एस की वैल्यू जी की और ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। ऐसे वैल्यू लिखते जाओ देख के, ये वी है आपका, वी यहां पे है डेल जी अपॉन डेल पी टी के बाद है, और वी दूसरा कहां पे है ये रहा, तो ये वी है दोनों, तो दोनों वी एक जगह लिख लिए, डेल जी अपॉन डेल पी टी और डेल एच अपॉन डेल पी एस। देखिए टी देख लीजिए, टी कहां कहां पे है, टी आपका कहां पे है, टी एक ये रहा, दूसरा टी कहां है यहां है, तो दोनों की वैल्यू लिख दीजिए, ये लिख दिया। उसके बाद T वाला हो गया एस पी वी टी, पी रह गया, P की वैल्यू लिखिए, ये रहा P और दूसरा P क्या है ये रहा, तो देखिए P यहां पे भी है P यहां पे भी है, P की दो वैल्यू हो गई, S यहां पे भी है S यहां पे भी है दो वैल्यू हो गई, V यहां पे भी है दो वैल्यू हो गई, T यहां पे भी है दो वैल्यू हो गई, तो जनरली कितना हो गया सारे की वैल्यू ये है। अब ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, जनरली ये पेपर में डायरेक्ट आता है, टी को बताइए किस किस की फॉर्म में आएगा, टी की वैल्यू निम्न में से कौन सी होगी, पी की वैल्यू निम्न में से कौन सी होगी, ऐसे पूछता है। उसके बाद देखिए प्लीज, अब थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर का क्या है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर को क्या एप्लीकेशन है, थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर से ये वैल्यू डायरेक्टली याद की जा सकती है, थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर से ये वैल्यू डायरेक्टली याद की जा सकती है। कैसे देखिए, थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर से जो आपने बोला था सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, उससे ये वैल्यू डायरेक्टली याद की जा सकती है, कौन सी वैल्यू, ये जो वैल्यू है चाहे वो एस की हो चाहे वो पी की हो चाहे वी की हो चाहे टी को, डायरेक्ट वैल्यू याद कर सकते हैं आप, ये थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर की ब्यूटी है। तो थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर से क्या कर सकते हैं, पहला एप्लीकेशन डी जी डी एच डी ए डी यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में चेंज की वैल्यू ऑब्टेन की जा सकती है, जिसको मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। दूसरा आपने क्या बोला था, पार्शियल डेरिवेटिव, किसके वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी कि डेल एस अपॉन डेल पी टी क्या होगा, डेल एस अपॉन डेल वी टी क्या होगा, डेल पी अपॉन डेल एस टी क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल एस टी क्या होगा, ये निकाल सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को चेक कर सकते हैं, एनर्जी चेंज नेगेटिव होना चाहिए, क्या क्या कॉन्स्टेंट आएगा ये बता सकते हैं, डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो आप देख सकते हैं जनरली। उसके बाद आपने क्या बोला, आपने एक बात कही क्या कि अगर मैं कोई कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करता हूं किसमें,
कंप्लीट इक्वेशन में, कंप्लीट डिफरेंशिएशन की किसी इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ कंप्लीट डिफरेंशिएशन में, तो कंप्लीट पार्शियल में चेंज होता है, पार्शियल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंटिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये आप बोल रहे हैं। तो जनरली उसका जो इंपैक्ट, जो उसको मैं जो पॉइंट है मेरा क्या है कि मैं उस पॉइंट को कहां पे लगाता हूं, dg = vdp - sdt में लगाता हूं, da = -pdv - sdt में लगाता हूं, du = tds - pdv में लगाता हूं, यस उन चारों इक्वेशन से मैक्सवेल वाले में लगा देता हूं, तो मुझे पता चलता है कि जैसे dg = vdp - sdt है तो जिस वेरिएबल के साथ d रखा हुआ है उसको कांस्टेंट कर दिया, तो मान लो dp रखा है dt रखा है तो p को कांस्टेंट करते dp वाला पोर्शन जीरो हो गया, तो पीछे क्या आ गया माइनस एस डेल टीपी बन गया, तो s की वैल्यू आ गई माइनस डेल जी अपॉन डेल टीपी। इस तरीके से एक इक्वेशन दो वैल्यू देती जाएगी, यस तो आपके पास क्या है चार इक्वेशन है तो आठ वैल्यू मिलेगी, लेकिन वेरिएबल तो आपके पास कितने हैं चार ही है, तो एक वेरिएबल की दो वैल्यू मिलेगी। अब थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर का एप्लीकेशन है कि आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि एक वेरिएबल यानी वेरिएबल की वैल्यू पोटेंशियल चेंज की फॉर्म में क्या आती है, तो ये भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का एप्लीकेशन है, कैसे वो दिखाता हूं। तो जनरली मान लो मुझे देखना है, ध्यान देना प्लीज, v देखना है, मान लो मुझे v देखना है, तो v कहां पे है यहां पे, v की वैल्यू मुझे चाहिए, तो सबसे पहले जाऊंगा v के सामने कौन है p, तो v की दोनों बार वैल्यू p के रेस्पेक्ट में आएगी, ध्यान देना प्लीज, v को मुझे चेक करना है v की वैल्यू क्या है, तो v के सामने कौन है p, तो दो वैल्यू आनी है, तो v की दोनों बार वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में आएगी p के रेस्पेक्ट में, ये आ गई। अब नीचे क्या है ये pp है, सेम है, यस नीचे सेम है, तो p है ये p है, p का ये डिसाइड करेगा अब की बार क्या कि निशान कौन सा होगा। पहले जब आप थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर के रिलेशन निकाल रहे थे ये सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड वाले वेरिएबल के, तो कौन डिसाइड करता था, डेल एस अपॉन डेल वी किया, डेल पी अपॉन डेल टी किया, तो कौन डिसाइड करता था कि क्या आएगा कांस्टेंट और क्या आएगा निशान, ऊपर वाला, क्योंकि यहां पे दोनों एंटिटी क्या होती थी अलग अलग, ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि यहां पे दोनों क्वांटिटी क्या होती थी अलग अलग, तो ऊपर वाला डिसाइड करता था, यहां पे क्या है दोनों एंटिटी सेम है, तो कौन डिसाइड करेगा नीचे वाला। प्लीज फोकस करना, जब आप वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव के बीच रिलेशन निकाल रहे थे तो आपने बोला था, क्या बोला था कि जनरली ऊपर वाला डिसाइड करता है, एस अपॉन पी वी अपॉन टी होता है, डेल एस डेल पी डेल वी अपॉन डेल टी, तो आप कह रहे थे कि ऊपर वाले से डिसाइड होगा निशान भी और ऊपर वाले से डिसाइड होगा कॉन्स्टेंट भी, ऊपर वाला यानी डेल एस से डिसाइड होगा क्या कॉन्स्टेंट भी और डेल एस से डिसाइड होगा क्या निशान भी, यानी कि डेल एस के साथ क्या आएगा एरो दूर जा रहा है टी आएगा पॉजिटिव आएगा, v के साथ क्या आएगा पास आएगा नेगेटिव, तो लेकिन यहां पे क्या था यहां पे जनरली था आपका ये आपका p था ये t था, तो ऊपर वाला डिसाइड करता था दोनों अलग अलग थे, यहां पे दोनों सेम है, इस तरीके से याद रखिए दोनों यहां पे क्या है सेम है, तो नीचे वाला डिसाइड करेगा। तो फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, v की वैल्यू चाहिए, v के सामने कौन है p, तो v की दोनों बार वैल्यू p के रेस्पेक्ट में आएगी, पहली बात। दूसरी बात, निशान यहीं पे लगा लूंगा, ये dp है ये dp है, तो निशान कहां पे लगा लूंगा, निशान कैसे लगाऊंगा, dp के साथ क्या आएगा dp का एरो दूर गया पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा सीधा, देखा v कहां है ये रहा, इसके सामने कौन है p, तो v की दोनों बार वैल्यू dp dp के रेस्पेक्ट में आएगी और नीचे वाला डिसाइड करेगा निशान क्या आएगा, तो dp का एरो कहां गया दूर गया, उसके बाद सीधा कुछ नहीं करना, g का p t कांस्टेंट और h का p s कांस्टेंट, दैट इज द वैल्यू, डेल g अपॉन डेल pt डेल h अपॉन डेल ps, ये रहा यही तो आती है v की वैल्यू। तो याद करने के लिए देखिए, फिर देखिए एक दो और दिखाता हूं, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड और दिखाता हूं, मान लो मुझे s की वैल्यू चाहिए, दिखाता हूं s की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले कहां जाऊंगा, s के सामने कौन है t, s की दोनों बार वैल्यू t के रेस्पेक्ट में आएगी, s की दोनों बार वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में आएगी t के रेस्पेक्ट में आएगी, पूरा स्क्वायर बना लेता हूं, s के सामने कौन है t, तो s की दोनों बार वैल्यू क्या आएगी t के रेस्पेक्ट में, अब नीचे कौन है t, दोनों बार t है तो निशान कौन डिसाइड करेगा डेल t, डेल t के पास एरो आ रहा है, डेल t के पास एरो आ रहा है नेगेटिव है नेगेटिव है, डेल्टी के पास एरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है नेगेटिव है नेगेटिव है, उसके बाद कुछ नहीं करना, जी का टी पी कांस्टेंट, ए का टी वी कांस्टेंट, दैट द वैल्यू ऑफ एस, तो पहले देखना है इसके सामने कौन है, फिर उसके अकॉर्डिंग निशान डिसाइड कर लेना है, उसके पास एरो आ रहा है तो नेगेटिव आएगी, उसके बाद जी का टी पी ए का टी वी, ऐसे ही देखते जाइए, जैसे मान लो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, मान लो मुझे देखना है किसका वैल्यू रह गया, एस का वी का पी का रह गया, तो पी का देखना है, मान लो तो पी को देखूंगा, पी ये रहा, पी के सामने कौन है वी है, तो पी की दोनों बार वैल्यू क्या वी के रेस्पेक्ट में आएगी दिस वन, अब वी के पास तो एरो आ रहा है नेगेटिव नेगेटिव, उसके बाद यू का वी एस कांस्टेंट, ए का वी टी कांस्टेंट, दैट्स ऑल, यानी ये कॉर्नर पे है यहां, तो इधर वाले का इसके रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट, इधर वाले का इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में होना है पोटेंशियल के, तो पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में ये आएगा वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा, इस पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में आएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो जनरली आप बोल सकते हैं पी की वैल्यू, तो ये क्या आपका पी का वैल्यू हुआ, ये क्या आपका एस का वैल्यू हुआ, ये आपका क्या है वी का वैल्यू हुआ,
और एक क्या देख सकते हैं आप, टी का वैल्यू देख सकते हैं। तो टी का भी देखिए, ये यहाँ पे है सत्य प्रकाश, वेरी टायर्ड। तो मान लो मुझे टी का वैल्यू चाहिए, हे गोडे यू, तो टी देखूंगा, टी ये रहा, तो टी के सामने कौन है, एस। तो टी की दोनों बार वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में आएगी, एस के। टी की दोनों बार वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में आएगी, एस के रेस्पेक्ट में आएगी। तो ध्यान देना प्लीज, एस के रेस्पेक्ट में आएगी। अब नीचे सेम है तो यही डिसाइड करेगा निशान, एस का एरो कहां गया, दूर, पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके बाद सीधा एच का एस पी कॉन्स्टेंट और यू का एस वी कॉन्स्टेंट। तो ये आप याद रख सकते हैं, तो आप देखते ही लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो टी की वैल्यू ये है, वी की वैल्यू ये है, एस की वैल्यू है, पी की वैल्यू है। तो जनरली ये था आपका मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स, जो जनरली रेशंस है, चाहे वो डीजी डीएच डीएच डी डी, यानी कि मैक्सवेल इक्वेशन हो, चाहे वो एस का पी के साथ डेल एस अपॉन डेल पी टी, डेल एस अपॉन डेल वी टी, डेल वी अपॉन डेल टी, वो निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को चेक कर सकते हैं। और चौथा फोर्थ जो मैंने बताया है, फोर्थ एप्लीकेशन, तो फोर्थ एप्लीकेशन जनरली मैंने क्या बोला है, फोर्थ एप्लीकेशन मैंने बताया है कि भाई इससे आप जनरली वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसका रिकैप कर देता हूं जो मैंने बताया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं डिस्कस करूंगा दूसरा आइटम। तो अभी देख लेना, मैंने अभी जो बताया है वो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर का एप्लीकेशन बताया है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, जनरली क्लोज सिस्टम में चार वेरिएबल्स हैं, चार पोटेंशियल्स हैं, यानी चार एनर्जी टर्म हैं और चार आपके वेरिएबल्स हैं। इनके बीच बहुत सारे रिलेशन होते हैं, उन रिलेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए आगे भी ये चलता रहेगा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स कोर्स चलता रहेगा तो ये तो आता ही रहेगा, बार बार बनता रहेगा। तो इनके बीच रिलेशंस बताने के लिए थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर दिया गया है, और वो स्क्वायर क्या है, वो स्क्वायर है सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गोड ए यू, हे गोड ए यू। और से निकलता क्या है, डीएच निकल सकता है, डीजी निकल सकता है, डीए निकल सकता है, डीयू निकल सकता है। एक तो ये देखिए, तो डीएच निकालने के लिए आप क्या बोलते हैं, एच एस और पी के बीच में रखा है, डीएस लिख दिया, डीपी लिख दिया, वहीं पे बना लो छोटा सा, एच चाहिए, एस के पी के बीच में रखा डीएस डीपी। अब उसके बाद डीएस का एरो दूर गया, पॉजिटिव, टी पे आया टी, डीपी का एरो दूर गया, पॉजिटिव, वी पे आया वी, टीडीएस प्लस वीडीपी। ऐसे डीजी आप निकाल सकते हैं, वीडीपी माइनस एसडीटी, डीए निकाल सकते हैं, माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी। बहुत सारी चीजें यहीं से देख के बता सकते हैं, डीयू क्या, टीडीएस माइनस पीडीवी। थोड़ा ध्यान देना प्लीज, मैं यहां से देख के इस इक्वेशन को देख के बता सकता हूं क्या, कि ये एस और वी के बीच में रखा है यू, स्क्वायर में एस और वी के बीच में रखा है यू। दूसरा बता सकता हूं, एस का एरो दूर गया हुआ है और वी का पास, तभी इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। इक्वेशन को उल्टा देखे प्लीज, तो यहां पे क्या बता सकता हूं, एस का एरो मैं बता सकता हूं कहां गया है, दूर गया, इसलिए पॉजिटिव है। वी का एरो पास आया इसलिए नेगेटिव है, देख लीजिए, एस का एरो दूर गया है, पॉजिटिव है, वी का एरो पास आया, नेगेटिव है। ये भी बता सकता हूं कि एस का एरो कहां गया है, टी पे गया है, और पी का, वी का एरो कहां गया है, पी से आया हुआ है। वी का एरो कहां से आया हुआ है, पी से, ये बता सकता हूं देखते ही। मान लो मैंने रिलेशन लिखा डीजी वीडीपी माइनस एसडीटी, तो मैं इसको स्क्वायर के हिसाब से बता सकता हूं, उल्टा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ये जी पी और टी के बीच में रखा हुआ है, चाहे देख लो रखा है कि नहीं रखा है, रखा है। उसके बाद टी का एरो गया है और वी पे गया है, और यहां से बोल सकता हूं देख के, टी का एरो पास आया है और एस से आया है, देखते बता सकता हूं। तो इक्वेशन को उल्टा विजुलाइज करेंगे तो और ज्यादा बेटर है। डीजी वीडीपी माइनस एसडीटी, यहां पे क्या बोलूंगा, जी पी और टी के बीच में रखा है इसलिए डीपी डीटी आ रहा है। उसके बाद डीपी का जो एरो है वो दूर जा रहा है, वी पे जा रहा है, वो रहा है, पी का एरो दूर जा रहा है, वी पे जा रहा है, टी का एरो पास आ रहा है और एस से आ रहा है, तभी तो ऐसी रिलेशन आए। तो पहला ये देखा आपने, उसके बाद आपने बोला जनरली क्या, एसपीवीटी, उसमें बोला आपने क्या, डेल एस अपॉन डेल वीटी चाहिए, डेल पी अपॉन डेल टीवी चाहिए, डेल एस अपॉन डेल पीटी चाहिए, या फिर डेल वी अपॉन डेल एस टी चाहिए, माइनस पी चाहिए, डेल वी अपॉन डेल एस पी चाहिए, या फिर डेल पी अपॉन डेल एस वी चाहिए। तो आप वैल्यू देख सकते हैं यहां से, जैसे मैं कहूंगा डेल एस अपॉन डेल वी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, एस से वी की तरफ जा रहा हूं, तो पी अपॉन टी आएगा, तो डेल पी अपॉन डेल टी आ गया। साथ में क्या आएगा, पी का एरो तो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है पी का एरो, तो पी का एरो तो दूर जा रहा है, दिखा देता हूं, यह आपका है सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। तो आप बोलेंगे क्या, एस अपॉन वी पी अपॉन टी, तो डेल एस अपॉन डेल वी डेल पी अपॉन डेल टी, डेल एस अपॉन डेल वी डेल पी अपॉन डेल टी, डेल एस के साथ क्या आएगा, प्लस का टी, उधर क्या, डेल पी अपॉन डेल टी के साथ क्या, प्लस का भी। तो ऐसे आप रिलेशन बता सकते। तीसरा आपने बोला है कि क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के लिए जनरली आपका एनर्जी चेंज हमेशा नेगेटिव होता है, तो डेल जी नेगेटिव है, डेल ए नेगेटिव है, डेल एच नेगेटिव है, डेल यू नेगेटिव है, इसके साथ कॉन्स्टेंट अलग अलग है, जी के साथ कौन है, पी का टी का है, ए के साथ कौन है, टी का वी का है, एच के साथ कौन है, एस का पी का है, यू के साथ कौन है, एस का वी का है। तो ये आप बता सकते हैं, यस। और आज जो आपने बोला है, आज आपने बोला है कि जनरली आप इसका यूज करके, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गोड ए यू का यूज करके आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप वी की निकाल सकते हैं, आप टी की निकाल सकते हैं, आप एस की निकाल सकते हैं। पी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पी के सामने कौन रखा हुआ है, वी, तो पी की दोनों बार वैल्यू वी के रेस्पेक्ट में आएगी, यस।
उसके बाद बोलोगे क्या, v के पास तो एरो आ रहा है क्योंकि नीचे सेम है, तो नीचे वाला डिसाइड करता है, नेगेटिव नेगेटिव, a का v t कांस्टेंट और u का v s कांस्टेंट। ऐसे आप v को t को देख सकते हैं, v का वैल्यू क्या आएगा, डेल जी अपॉन, यहां पे देखते ही बता दूंगा ये v है, यहां से देखे v है तो v का क्या आएगा, अगर मैं कहने लगूं v चाहिए मुझे, देखो सिंपली आप यहां से देख के बता सकते हैं, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड हे गुड ए यू, आप यहां पे देखिए, यहां से देखते v चाहिए तो क्या आएगा, p के रेस्पेक्ट में आएगा, g का p t, h का p s, ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं, ये v है तो v के सामने कौन है, p, तो g का p दिस वन t, अरे ये है ना t, या बोले g का p t, h का p s, यस, और p का एरो दूर जा रहा है तो पॉजिटिव आने हैं, तो आप बता सकते हैं, तो सीधा लिखता हूं v को क्या, डेल g अपॉन डेल p t इज इक्वल टू डेल h अपॉन डेल p s। मान लो आपको यहां पे लिख दिया सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड और आपसे पूछा एकदम से क्या, t बताइए, आपसे पूछा t बताइए, टी बताइए, तो टी कहाँ है, यहाँ है, तो टी क्या होगा, एस के रेस्पेक्ट में आएगा, एच का एस पी यू का एस वी, एच का एस पी यू का एस वी, निशान तो चाहे बाद में भी लगा लो, ऐसा है ऐसा है तो पॉजिटिव आएगा, तो ऐसे बता सकते हैं आप, ठीक है जी। तो ये जनरल आपके एप्लीकेशन थे, इसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर के एप्लीकेशन खत्म हो गए। अब इनके जो क्वेश्चन हैं उनका एमएस वर्ड आपको मैं दूंगा जनरली, उसमें जो क्वेश्चंस अब तक जो पेपर में पूछे गए हैं वो जनरली इसमें से क्वेश्चन दूंगा, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी कि ये पहला पोर्शन जो था वो क्या था, ये था टूल, कौन से टूल जनरली आप थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हुए यूज करते हो, तो वही टूल था, मैंने इसमें बताया थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक पोर्शन होता है वो क्या है, यूनिट कन्वर्जन मैंने बताया, क्लोज सिस्टम के लिए जनरली चार वेरिएबल होते हैं, चार पोटेंशियल होते हैं, उनके बीच रिलेशन को बताने के लिए थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर होता है, वो थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर मैंने कंप्लीट किया, उसमें जनरली मैंने एप्लीकेशन बताया, पहला एप्लीकेशन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन दिस वन ए यानी कि हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव जो किसके थे एसपीवीटी के, उनके बीच का रिलेशंस मैंने आपको बताया, तीसरा मैंने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी डेल जी डेल एच डेल डेल यू डेल एस की वैल्यू आपको बताई कि जनरली कैसे देखते हैं, और आज मैंने जनरली बताया कि जो आपके वेरिएबल्स हैं टी का पी का वी का एस का वैल्यू कैसे आप पोटेंशियल चेंज की फॉर्म में देख सकते हैं स्क्वायर का यूज करके, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड हे गुड ए यू, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड हे गुड ए यू, एरो नीचे है, डी जी डी एच डी ए डी यू, अब आपको अच्छे से आना चाहिए, डी जी बोलते ही आपके माइंड में चलना चाहिए डी जी आपका वीडीपी माइनस एस डी टी है, डी आपका माइनस PDV minus SDT है, DU आपका TDS minus PDV है, ये आपको बोलना होगा, yes, उसके बाद del S upon del VT क्या, del S upon del PT क्या, del P upon del ST क्या, del V upon del ST क्या, ये आपको बताना होगा, उसके बाद criteria of spontaneity के लिए del G less than 0, del H less than 0, del A less than 0, del U less than 0, del S greater than 0, constant आप देख के लगा सकते हैं, उसके बाद T की वैल्यू किसकी फॉर्म में लिख रही, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, T के सामने कौन है, S है, तो T की दोनों बार वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में आएगी, del S के रेस्पेक्ट में आएगी, yes, वहां पे क्या होगा, H का S होगा, साथ में P आएगा, उधर U का S होगा, साथ में V आएगा, और नीचे वाला ही डिसाइड करेगा कि जनरली निशान कौन सा आएगा, तो ये मैंने जनरली डिस्कस किया है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर फिनिश हो गया, उसके बाद नेक्स्ट इश्यू लेंगे, पर इसके जनरली क्वेश्चन जरूर लगाना, जो मैं जनरली किसकी फॉर्म में दूंगा, एमएस वर्ड में दूंगा, यस एमएस वर्ड की फॉर्म में दूंगा एज ए डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।